माननीय प्रांत सहसंघचालक जी, माननीय विभाग संघचालक जी, उपस्थित अन्य अधिकारी गण, नागरिक सज्जन, माता भगिनी तथा आत्मीय स्वयंसेवक बंधु, मैं हिंदी में बात करूं ऐसी मुझे सूचना है, इसलिए मैं हिंदी में बोल रहा हूं। अभी विभाग कार्यवाही जी ने ये अपेक्षा व्यक्त की कि संघ के बारे में मैं आपको जानकारी दूं। वैसे संघ तो पूरे भारत में प्रसिद्ध है, संघ का नाम नहीं जानते ऐसे भारत में बहुत कम लोग हैं। जो सार्वजनिक जीवन से कोई संबंध नहीं रखते ऐसे ही लोग संघ को नहीं जानते। दुनिया में भी संघ प्रसिद्ध हो गया है और इसलिए और संघ के बारे में क्या जानना है, ऐसा प्रश्न किसी के मन में आ सकता है। परंतु संघ का नाम मालूम होना, संघ को देखना ये एक बात है और संघ को जानना उससे एकदम अलग बात है। सामान्यतः किसी बात को हम जानते हैं तो उसकी प्रक्रिया में जो हमें मालूम है, जो पहले से देखा है, पहले से जानते हैं, उसके साथ तुलना करके नई बात को जानते हैं। अंग्रेजी में कहते हैं फ्रॉम नोन टू अननोन। लेकिन ये उन्हीं बातों के लिए लागू होता है जिनके लिए तुलना करने के लिए कुछ और है, नहीं तो गगनम गगनाकार, आकाश कैसे है तो आकाश जैसा ही है, सागरम सागरोपमा, समुद्र कैसा है उतना बड़ा जलाशय दूसरा नहीं है, उसके जैसा वही है। राम रावण योर युद्धम राम रावण योरिव, राम और रावण का युद्ध हुआ वो कैसा हुआ वैसा दूसरा नहीं हुआ, इसलिए उसके जैसा वही है। ऐसे ही आज के काल में संघ जैसा काम दूसरा कोई चलता नहीं, जिसके साथ इसकी तुलना करके इसको जाना जाता है ऐसा कुछ नहीं है। और इसलिए फ्रॉम नोन टू अननोन ये रास्ता बंद हो गया है। संघ को जानना है तो संघ को ही जानना पड़ता है और जानने में भी बड़ी कठिनाइयां है। दूर से देख के संघ पता नहीं चलता, दूर से देखेंगे तो कई प्रकार की गलतफहमियां हो सकती है। अभी यहां स्वयंसेवकों ने व्यायाम योग का प्रदर्शन किया तो पहली बार देखेगा तो उसको लगेगा संघ कोई अखिल भारतीय जिमखाना है क्या, सब गणवेश में है, इसलिए बिना जाने कुछ लोग पैरामिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है ऐसा भी मान लेते हैं। यहां स्वयंसेवकों ने सबने मिलकर एक गीत गाया और एक व्यक्तिगत भी गाया गया तो हो सकता है कोई समझे कि संघ कोई अखिल भारतीय संगीत शाला है। अब ये सब बातें संघ में होती हुई दिखती है लेकिन संगीत शाला व्यायाम शाला ये संघ का रूप नहीं है। संघ के सब स्वयंसेवक मिलकर 1,30,000 से ऊपर विभिन्न संगठनों के माध्यम से, ट्रस्टों के माध्यम से सेवा कार्य सारे देश में चलाते हैं, लेकिन संघ सर्विस ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये सारी बातें जो हम देखते हैं हो रही है, संघ के स्वयंसेवक कर रहे हैं, वो उनका अपना कर्तृत्व है। संघ ने उनको विचार दिया है, संघ ने उनको संस्कार दिया है,
संघ से प्रेरणा मिलती है, वो समाज के लिए जहां आवश्यक है उनको लगता है वहां काम करते हैं, सबको साथ लेकर चलने की कला संघ में सीखी है, तो जल्दी ही बढ़ जाते हैं, अग्रणी हो जाते हैं, प्रामाणिकता से निस्वार्थ बुद्धि से काम करते हैं, समाज का विश्वास अर्जित करते हैं। परंतु यह उनका किया हुआ काम है, स्वतंत्र है, अलग है, स्वायत्त है, और बढ़ने के बाद स्वावलंबी हो जाता है, संघ पर निर्भर नहीं रहता। कुछ लोग मानते हैं वैसा उनका कोई रिमोट और डायरेक्ट कंट्रोल संघ के पास नहीं रहता, उसकी आवश्यकता नहीं है संघ को। स्वयं सेवक संघ के संस्कारों में रहकर संघ के ध्येय को न भूलते हुए सबके प्रति स्नेह में को मन में रखकर अच्छे काम करे, इसके लिए वो स्वतंत्र रहे। उनको तैयार करने की ये जो पद्धति चलती है वो संघ है, और ये पद्धति विश्व में एक सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन तैयार करना इसके लिए नहीं चली है। भारत में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का प्रभावी दबाव गट खड़ा करके उसके दबाव में सब कुछ बदल, इसके लिए नहीं चल रही है। संघ देश में संगठन खड़ा करना नहीं चाहता, पूरे देश को ही संगठित करना चाहता है। समाज में दबाव गट खड़ा नहीं करना चाहता, पूरे समाज को ही संगठित करना चाहता है। आज समाज में बहुत सारे लोग संघ में हैं, बहुत सारे नहीं भी हैं, कुछ है जो विरोध भी करते हैं, कुछ है जो न्यूट्रल है ऐसा कहा जाता है, परंतु इन सबको जोड़ना है, पूरे समाज को ही एक शक्ति के रूप में खड़ा करना है, क्योंकि भारतवर्ष इस प्रकार शक्ति संपन्न होकर, सामर्थ्य संपन्न होकर खड़ा हो, यह विश्व की आवश्यकता है। गत 2000 वर्षों से अनेक प्रकार के प्रयोग करके विश्व थक गया, सबका सुख, शाश्वत सुख, कभी फीका ना पड़ने वाला सुख, यह सब जीवों के लिए लक्ष्य रहता ही है, प्रकृति ने दिया है। उसके लिए बहुत सारे प्रयोग हुए दुनिया में, आधुनिक दुनिया में, और उन प्रयोगों के चलते, उन प्रयासों के चलते मनुष्य की सुख सुविधाओं में, मनुष्य के साधनों में, मनुष्य के ज्ञान में बहुत बड़ी प्रगति हुई। भौतिक सुख देने वाली बहुत सी वस्तुएं उत्पन्न हुई, भौतिक सुख को पाने के बहुत से साधन प्राप्त हुए, उसके लिए मनुष्य को लंबे समय तक सक्षम रखने वाली भी बातें पैदा हो गई, लेकिन सुख नहीं बढ़ा, पर्यावरण का संकट खड़ा हो गया, सुख नहीं बढ़ा, असमाधान बढ़ा, आत्महत्याएं बढ़ी, परिवार टूटने लगे, साधन संपन्न, विज्ञान संपन्न मनुष्य उन साधनों का उपयोग मनुष्य कल्याण के लिए करने के बजाय युद्ध के एक से एक प्रगत अस्त्र उत्पन्न करने के लिए करके आपस में लड़ता है, और कलह थमा नहीं है, हिंसा रुकी नहीं है, और इसलिए आज की दुनिया चाहती है कि हमको कोई नया रास्ता मिले। हमारी दृष्टि में हम विश्व को जैसा समझते हैं उसके आधार पर हमने सब प्रयोग कर लिए, अब हमारी दृष्टि के आधार पर, हमारी समझ के चलते कोई नया रास्ता निकलने वाला नहीं है। हमसे भारत की समझ अब उनको लगता है अधिक पूर्ण है, अधिक सटीक है, उसके आधार पर हमको रास्ता दिखाने का काम भारत ने करना चाहिए, और इसलिए भारत बड़ा होना यह दुनिया की आवश्यकता है, हमारी तो है ही, क्योंकि हम जानते हैं कि व्यक्तिगत रूप से या एक कुटुंब के रूप से भी हमको सुखी होना है
तो हमारे देश को सुखी होना पड़ेगा। हमको प्रतिष्ठा चाहिए तो हमारे देश को प्रतिष्ठित करना पड़ेगा। हमको सुरक्षित होना है तो हमारे देश को सुरक्षित रखना पड़ेगा। और इसलिए संपूर्ण देश को सुरक्षित रख सकने वाला, विश्व में उसको विश्व गुरु पद पर प्रतिष्ठित कर सकने वाला, संपूर्ण देश को बल संपन्न, सामर्थ्य संपन्न, सर्वांग सुंदर, सुखी देश बना सकने वाला समाज खड़ा करना यह आवश्यकता है। क्योंकि देश में परिवर्तन तब आता है जब ये काम होता है। देश में अनेक प्रकार की परिस्थिति रहती, परिस्थिति पर उपाय करने वाले भी रहते हैं, परिस्थिति में परिवर्तन लाने के लिए प्रयास करने वाले रहते हैं, लोगों की आवश्यकताओं को लेकर संघर्ष करने वाले सदा सर्वदा रहते आए। इनका अभाव किसी देश के किसी समाज में कभी नहीं रहा। परंतु जिन जिन देशों में, प्राचीन समय छोड़ दीजिए, इतिहास काल भी छोड़ दीजिए, अर्वाचीन समय ने जिन जिन देशों ने प्रगति की उनका इतिहास देखेंगे तो पता चलेगा कि किसी विचार को, किसी व्यक्ति को, किसी समूह को, किसी सरकार को श्रेय तो मिला, निमित्त तो कोई होता है, उसी के खाते में यश लिखा जाता है। परंतु उस यश का संपन्न होना, इसकी प्रक्रिया का अध्ययन किया तो 100 से लेकर 150 वर्ष तक उस देश में समाज को खड़ा करने के प्रयास हुए। क्योंकि सारे दुखों के मूल में समाज की स्थिति रहती है। जैसा समाज है वैसे उसको नेता मिलते हैं, वो काम करते हैं। आए समाज से ही है, जितनी समाज की ऊंचाई है उतनी ही उनकी ऊंचाई है। और इसलिए संपूर्ण समाज को संगठित करना ये सब बातों के मूल में आवश्यक उपाय है। राजा अपने नित्य क्रम में सुबह जल्दी उठ के घर में थोड़ा सा व्यायाम, राजवाड़े में थोड़ा सा व्यायाम करके बाहर निकला और रोज का उसका नियम था घोड़े पर बैठकर रपेट करना आधा घंटा। अगले ही दिन एक नया घोड़ा लाया था, दूर से अरबस्तान से वो घोड़ा लाया गया था, पंचलक्षणी सुंदर अश्व था, बहुत सबल था। राजा उस पर बैठा, उसने एड़ी लगाई लेकिन घोड़ा हिलने को तैयार नहीं। लाख प्रयास किए, घोड़ा हिल ही नहीं रहा, अड़ गया। चलो आज अपना नियम टूट गया, कल डबल रपेट करेंगे, ऐसा सोच के राजा वापस आया, स्नान वगैरह करके नाश्ते के लिए बैठ गया। देखता है तो नाश्ते में जो रोटी थी सब जल गई थी, तो नाश्ता करने का मन ही उसका बदल गया। चलो नाश्ता के बाद थोड़ा पान खाएंगे, दरबार जाएंगे, इसलिए पान का डिब्बा खोला तो जितने पान थे अंदर वो सब सड़ गए थे। तो राजा बड़ा विचारमग्न होकर, थोड़ा सा जिसको अंग्रेजी में कहते मूड ऑफ होकर दरबार में पहुंचा। जैसे ही स्थानापन्न हुआ, प्रधान जी को उसने एक ही प्रश्न पूछा, प्रधान जी बताइए घोड़ा क्यों अड़ा, रोटी क्यों चली, पान क्यों सड़ा। अब किसी को कुछ समझ में नहीं आया, अब चलने लगा प्रश्न और राजा एक ही प्रश्न पूछे, घोड़ा क्यों अड़ा, रोटी क्यों जली, पान क्यों सड़ा। अब दरबार का काम समाप्त ही नहीं हो, इसका उत्तर ही नहीं मिले। फिर कोई एक बूढ़ा अनुभवी था राजधानी के शहर में, समझदार आदमी इसलिए प्रसिद्ध था, उसको बुला के लाया। उसने राजा का प्रश्न सुना और उसने कहा महाराज इसका उत्तर है घुमाया नहीं, इसलिए घोड़ा अड़ता था मैं पहले उसको घुमाते हाथ को पकड़कर, जिस मैदान में रपेट कर नहीं मैदान दिखाते, वो जब तक मैदान पता नहीं होता तब तक वो हिम्मत नहीं करता है।
घोड़े को घुमाना पड़ता है, रोटी सेकते समय उसको भी घुमाना पड़ता है, पलटना पड़ता है, नहीं तो जल जाती है। और पान खाने वाले लोग जानते हैं, पानदान में पान रखना है तो उसको बार बार पलटना पड़ता है, घुमाना पड़ता है। तो घुमाया नहीं, इसलिए सब प्रश्नों का एक ही उत्तर है। वैसे हम जैसे भी आज है ऐसे क्यों है? हमारी स्थिति बदली, देश की भी स्थिति बदली। हम जागरूक नहीं थे तब गुलाम थे, गुलामी का कोई कारण नहीं था। हम पर राज करने वालों से हमारी जनसंख्या बहुत ज्यादा थी, उनका जो विचार तत्वज्ञान है वो अधूरा था। हमारा विचार तत्वज्ञान पूर्ण है और हमारे तत्वज्ञान को प्रत्यक्ष साक्षात करने वाले हमारे पास लोग हैं, अन्य लोगों के पास नहीं है। एक से एक बुद्धिमान लोग, बलशाली लोग, धनवान लोग तब भी हमारे पास थे, उसके पहले भी थे, आज भी है, कल भी रहेंगे। यह हमारी कला है, कौशल है। ऐसा सब होने के बाद भी हजारों मील दूर से मुट्ठी भर लोग जो किसी मामले में हमसे शिक्षा नहीं थे, हम पर राज क्यों कर सके? 150 साल स्वतंत्रता के लिए प्रयास करने वाले सभी नेताओं के मन में ये प्रश्न था और अपने प्रामाणिक प्रयासों के अनुभव से उसका उत्तर भी उनके मन में था। सबके मन में एक सा उत्तर था, उत्तर यही था कि हम जिस बात, जिन जिन बातों के लिए हम प्रयास कर रहे हैं, वो बातें तो हो जाएगी, जो विषय हमने हाथ में लिए हैं उनके हल निकल जाएंगे, लेकिन वो विषय फिर से खड़े नहीं होंगे, इसकी क्या गारंटी है? अंग्रेज कोई पहले नहीं थे हमको गुलाम करने वाले। ये आक्रमणों का ताता तो सिकंदर के पहले से शुरू हुआ, शकहून कुषाण यवन, बाद में मुगल, तुर्क, पठान, अफगान, बाद में ब्रिटिश, पोर्तुगीज, डच, सारे लोग, सब लोगों को हमला करने के लिए भारतवर्ष ही मिला। भारतवर्ष की हवा उनके लिए अनुकूल नहीं थी, यहां के शूरवीर लोगों से उनके पराक्रम की तुलना भी नहीं हो सकती, इतने हम संगठित थे पराक्रम में। इस ईसवी सदी एक से ईसवी सदी 1700 तक हम आर्थिक दृष्टि से दुनिया में पहले देश थे, किसी मामले में हम कम नहीं थे। और मुट्ठी भर संख्या में आके इन लोगों ने देखते देखते उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम देश को गुलाम बना दिया। यह क्यों हुआ? क्योंकि समाज में कुछ दोष घुस गए हैं, समाज की स्थिति ठीक नहीं है, समाज की इम्यूनिटी कम हो गई है, इसलिए हर कोई वायरस उसको गिरा सकता है। संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार ऐसे सब कार्यों के प्रत्यक्ष अनुभव ले चुके कार्यकर्ता थे, प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से उन्होंने काम किया, क्योंकि जीवन में उनके लिए दूसरा ध्येय नहीं था। बचपन में अनाथ हो गए थे, परिवार की जिम्मेवारी का प्रश्न नहीं था, छोटे भाई थे, देश के लिए काम करते हैं और उसमें उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि इस जीवन में केवल इस देश के लिए सारी शक्ति लगाएंगे। और इसलिए समाज जीवन में समाज को उठाने के लिए, देश को जगाने के लिए, देश को स्वतंत्र करने के लिए जो जो चलता था सब में उन्होंने भाग लिया, प्रामाणिकता से, निस्वार्थ बुद्धि से, तन मन धन पूर्वक कार्य किया। उनका स्वयं का चिंतन अध्ययन भी था, सब कार्यों के उनके समकालीन जो धुरीण लोग थे उनके साथ उनकी भेंट हुई थी, चर्चाएं हुई थी, हुआ करती थी। लोकमान्य तिलक जी, सावरकर जी, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा गांधी जी, बाबू सुभाष चंद्र बोस, मदन मोहन मालवीय, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, ऐसे सब लोग उनके संपर्क में थे, क्योंकि इन सब के कार्यों में कुछ न कुछ हिस्सा उन्होंने उठाया था और उठाते रहे थे।
चर्चाएं होती थी, तब उनको पता चला कि मेरा जो अनुभव है और मेरा जो निष्कर्ष है, सबके मन में वही बात है कि हमने जो काम लिया है वो तो सफल हो जाएगा, लेकिन सदा के लिए रोग हट जाए ऐसा करना है तो इस समाज को ठीक करना पड़ेगा। किसी को हमने काम चुन लिया, हमको समय नहीं, लेकिन किसी को ये काम करना चाहिए। तब उन्होंने ये सोचा ये काम कैसे किया जा सकता है, अगर कोई फुर्सत में नहीं है इसको करने के लिए तो सब काम छोड़ के मैं ही ये करता हूं। 7-8 वर्ष उन्होंने प्रयोग किए और उसके आधार पर 1925 के विजयादशमी में यह घोषणा की कि संपूर्ण हिंदू समाज को संगठित करने का यह काम आज से शुरू हो रहा है। ये काम है यानी क्या है, ये एक कार्य पद्धति है, समाज को परिवर्तित करना। समाज को परिवर्तित करने का काम करने वाला कार्यकर्ता देशभर में खड़ा करना, जिनकी कथनी करनी समान हो, जो सबको अपना मानते हो, जिनके चारित्र के कारण संपूर्ण समाज में विश्वास उत्पन्न हो, आत्मविश्वास उत्पन्न हो, और सब समाज जिनको अपना मानता हो, ऐसे कार्यकर्ताओं के समूह गांव गांव में और शहरों की बस्ती बस्ती में खड़े करेंगे तो परिवर्तन के नायक के रूप में समाज उनके साथ अपना आचरण बदलेगा। बिल्कुल यही कल्पना श्री रविन्द्रनाथ ठाकुर के स्वदेशी समाज नामक निबंध में आपको पढ़ने को मिली। विचार के नाते संघ ने नया कुछ नहीं किया, युगानुयुग से चलती है अपनी सनातन परंपरा में अभी तक जितने विचार प्रयोग हुए वो सब देखकर, उन सब से लेकर यदि कोई कमी किसी में हो तो उसको निकाल कर एक युगानुकूल पद्धति समाज को संगठित करने की खोजी, उसका प्रयोग चल रहा है। 97 साल पूरे हो रहे हैं। उसका नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, क्योंकि यह आदत करने का काम है, रोज करना पड़ता है। सब भूलो, शाखा में आओ, शाखा में आके क्या करो, यही जो कार्यक्रम आपने देखे, दिखने में तो कुछ बड़े महत्वपूर्ण वगैरह लगते नहीं, हाथ बाजू करो, हाथ ऊपर करो, फिर से बाजू करो, नीचे करो, कौन सा समाज परिवर्तन भाई, इसमें क्या राष्ट्र का क्या होने वाला है, क्या इस हाथ की हवा लगकर कुछ होने वाला है। विश्वास ही नहीं था लोगों को, ये देखकर वो कहते थे कि डॉक्टर हेडगेवार इतने ज्वलज्वाहाल नेता सब कुछ त्याग करके देश के लिए खड़े हुए थे, ये पागल हो गए, छोटे बच्चों को लेकर और कौन से काम में लगे, समझ में नहीं आता। आज इस बात को कोई नहीं करता, क्योंकि ये हाथ हिलाने से क्या हुआ है वो आज प्रत्यक्ष है, स्वयंसेवक जो कर रहे वो समाज देख रहा है। क्योंकि जो काम करना है वो बड़ा महत्वपूर्ण काम है, वैसे ही बड़ा कठिन काम है। इस देश के लिए हमको काम करना है तो ये देश क्या है इसकी स्पष्ट समझ चाहिए। ये हमारा भारत है, ये कब से आया स्पष्ट नहीं है। कुछ लोग कहेंगे 1947 के बाद हमारा देश बना, क्योंकि उन्होंने यही देखा है कि एक सरकार होती है तो एक देश होता है। उन्होंने कभी अनेक सत्ताएं एक ही देश में ऐसा देश ही देखा नहीं, दुनिया ने नहीं देखा है। दुनिया में राष्ट्र कहने से नेशन स्टेट ऐसा ही मानते हैं, जब तक स्टेट है तब तक नेशन है। नेशन ये उत्पत्ति है स्टेट की, हमारे यहां अलग है, पहले से अलग है। हमारे यहां राष्ट्र का प्रमुख घटक है जनपदवती भूमि, यानी ऐसा समाज जिनके सामने समान उद्देश्य है और वो किसी एक भूमि से अपना नाता मानते हो, उस भूमि पर रहने वाले परंपरा से। हमारी पुण्य भूमि है, हमारी धर्म भूमि कर्म भूमि यही है भारतवर्ष।
हमको दूसरा देश नहीं है, ये हमारा है और सदियों से हम इसको मातृभूमि मान रहे हैं, माता भूमि ही। भूमि हमारी माता है, भूमि है ना, सारी सारा ग्रह होता है ना, प्लेनेट अर्थ। लेकिन आगे कहा है पुत्रो हम पृथ्व्याम, पृथ्वी शब्द भी उसी अर्थ में प्रयोग करते हैं, लेकिन पृथ्वी शब्द की व्युत्पत्ति में पृथु राजा ने कृषि योग्य बनाई भूमि, इसलिए वो पृथ्वी है। ऐसी भूमि कौन सी है, यही हमारा भारतवर्ष है, वो हमारी माता है। रोज उठने के पहले, नीचे पैर लगाने के पहले, ये हमारी परंपरा थी, कहीं कहीं आज भी याद है, कहीं कहीं भूल गए, विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस्पर्शं क्षमस्वामी। पुराना काल से हम कह रहे हिमालयम सराम समारभ्य यावद हिंदू सरोवरम, हिंदू सरोवरम तम देव निर्मितम देशम हिंदुस्थानम प्रतिष्ठते। ये प्राचीन हिंदुस्तान देश और उसमें रहने वाला हिंदू समाज उतना ही प्राचीन है, आज भी वही है, ये हमारी मातृभूमि है और हम इस देश में रहने वाले सब लोग एक ध्येय से अनुप्राणित है। हमको यह बताया गया है कि अपना जीवन ऐसा रखो कि आपका जीवन देखकर अन्य लोगों के जीवन बन जाए, वो जीवन अच्छा है। तुम कितना कमाते हो और तुम कितने इलेक्शन जीतते हो और तुम कितना पैसा जमा करते हो, यह महत्व की बात नहीं, महत्व की बात है कि तुम जितने बड़े बने उतना सबको बड़ा किया कि नहीं, तुमने जितना कमाया वो सब में बांटा कि नहीं। तुम अगर कहीं राजा बन गए तो धर्मराज्य चलाया कि नहीं, कहीं पर तुमने जीत लिया तो वो धर्म विजय था कि कौन सा विजय था, असुर विजय था, धन विजय था कि धर्म विजय था, यह पूछा जाता है। हमारी एक निश्चित धारणा है, हमारे सामने हमारे पूर्वजों ने ध्येय रखा है, एतद् देश पशु तस्य सकाशात् अग्र जन्मनात् स्वम स्वम चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानव। सत्य को जानने के लिए त्यागमय जीवन कैसे जीना, सारे विश्व को बताना, इसकी इच्छा हमारे अंतर मन में रहती है। कुछ लोग जानते हैं बोल सकते हैं, कुछ लोग जानकर बोल नहीं सकते, कुछ लोग जानते नहीं है लेकिन प्रसंग आता है तो फूट पड़ता है। इसलिए हम एक समाज है, हम एक जनपद है और हमारी भूमि भारतवर्ष है। बाकी सारी बातें राज्य बल दुर्ग कोष अमात्य सुहृद ये सब बाद में आता है। हम राष्ट्र है, विविधता के राष्ट्र पहले से है और हमारे यहां इन सब विविधताओं का स्वीकार और स्वागत है, क्योंकि सारी विविधताएं एक ही सत्य का आविष्कार है, इसको हम जानते हैं। दुनिया की भाषा में आजकल बोलते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, लेकिन वास्तव में तो हमने डाइवर्सिटीज ऑफ यूनिटी इसको अनुभव किया है और उसको अनुभव करने वाले आज भी हमारे देश में मिलते हैं। उसके कारण सारी भाषाएं, सारे पंथ उपपंथ, देवी देवताएं, खान पान रीति रिवाज के अनेकों प्रकार, रहन सहन के अनेकों प्रकार, मत मतांतरों के अनोखे विचार तत्वज्ञान, ये सब हमारे देश में पहले से है, शास्त्रार्थ होते हैं, सब होते हैं। परंतु ये सब होने के बाद भी हम एक राष्ट्र है, हम एक समाज है, हम हिंदू समाज है, हमारा हिंदू राष्ट्र है, हम सब भारत माता के पुत्र हैं, हम सब उन्हीं पूर्वजों के वंशज हैं जिन्होंने ये कहा एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, जिन्होंने ये लक्ष्य हमको दिया है एतद् देश प्रसूतस्य। कोई भी हमारे देश में रहने वाला दूसरा नहीं है, 40,000 वर्षों से हमारा डीएनए एक है। पूजा किसी की कोई हो या कोई पूजा न भी करता हो, खान पान रीति रिवाज कुछ भी हो, रहन सहन का प्रकार कुछ भी हो, विचार तत्वज्ञान कुछ भी हो, हम है वही। आज हम मानते कुछ भी हो, वास्तविकता यह है वैज्ञानिक दृष्टि से, ऐतिहासिक दृष्टि से, तर्क से और प्रत्यक्ष अनुभव से हम सब लोग उनसे संबंध रखते हैं और उनको दुनिया हिंदू कहती है, इसलिए हम हिंदू समाज है।
हमारा हिंदू राष्ट्र है। हमको जोड़ने वाली यही एक बात है, भाषा हमारी अलग अलग है, पूजाएं हमारी अलग अलग है, भाषाएं प्रांत ये सब अलग अलग है, लेकिन यह बात हमको जोड़ती है कि हम अलगता को अभिशाप नहीं मानते, हम अलगता को अपने जीवन का अलंकार मानते हैं। यह हिंदू दृष्टि है। हिंदू दृष्टि के आधार पर सनातन काल से चलता आया हुआ समाज जीवन इस भूमि में खड़ा हुआ, यह हमारा देश है। यह स्पष्ट कल्पना होनी चाहिए, उसके लिए इस देश को जानना चाहिए। भारत को जानो, जानकर उसको मानना चाहिए, क्योंकि यह शाश्वत बात है, यह रहने वाली बात है। अनेक लोगों ने इसकी साक्ष्य दिए। यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, एक कवि ने कहा अपने गीत में, जगतात ये उनी जे गेले अनेक देश, क्षण मात्र रोम जैसा दीपवीत से जगात, नाही तयास जगती अमरत्व प्राप्त झाले, ते ज्ञान ती कला ते सर्वत्व नष्ट झाले, आम्हीच पाहिलेले हे आदि अंत त्यांचे। इस दुनिया में अनेक देशों को उठता बिगड़ता बनता नष्ट होता हमने देख लिया है, हम उसके भी साक्षी है, हम है थे है और रहेंगे। इस देश को जानना, इसके अमरता के इस रहस्य को जानना, इसके रूप को जानना, इसके आत्मा को जानना, और केवल जानना नहीं, हमको राष्ट्र की पूजा करनी है, भारत माता की पूजा करनी है, राष्ट्रार्चन करना है। तो पूजा कैसे करती है, करते हैं, पत्र फल पुष्प वगैरह उपचार है, वास्तविक पूजा वो होती है जिसकी पूजा करना वैसे बनो। तो भारत को जानो, भारत को मानो, भारत के बनो, हमारी ये दृष्टि होनी चाहिए। भारत की सब भाषाएं हमारी भाषा है, भारत के सब प्रकार के लोग मेरे अपने, भारत के सब पंथ उपपंथ सब वो हमारे ही है। मेरा अपना कुछ है वैशिष्ट्य, वो भी मेरा है, उस पर मैं चलूंगा, श्रद्धापूर्वक चलूंगा, लेकिन इन सब विविधताओं का मैं सम्मान करूंगा, आदर करूंगा, उनके विकास में मैं मेरा हाथ लगाऊंगा, सबके साथ चलूंगा, सबको साथ लेकर चलूंगा, क्योंकि मैं जन्मा हूं किसी प्रांत में, बोलता हूं किसी भाषा को, पूछता हूं किसी भगवान को, खाता हूं कुछ, पहनता हूं कुछ, परंतु मैं पूरे भारत के साथ मन से एकाकार हूं। कोई भी चीज भारत की मेरे लिए विदेशी नहीं है, पराई नहीं है, वो मेरी अपनी है। ये व्यवहार में लाना, आदत करनी पड़ती है, सद्भावना से व्यवहार करना है। ऐसा होने के बाद अपने व्यवहार को सद्भावना पूर्ण बनाना पड़ता है, दूसरों को देखना है, कभी भी नकारात्मक दृष्टि से नहीं देखना, दूसरों के प्रति शत्रुता का भाव, दूरी का भाव, द्वेष का भाव कभी रखना नहीं, सबके कल्याण की इच्छा रखना, स्वयं किसी के दुश्मनी के शिकार न बने, द्वेष के शिकार न बने, स्वयं किसी से मार न खाए, इतना सबल होना, तभी यह सद्भावना शोभा देती है। नहीं तो दुर्बलों को इलाज नहीं रहता दूसरों के प्रति सद्भावना रखे बिना। दुर्बलों की सद्भावना नाटक होता है, हमको सद्भावना का नाटक नहीं करना है, मन से सबके प्रति सद्भाव रखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमको कोई खतरा नहीं किसी से, कोई हमको धक्का नहीं पहुंचा सकता, इसके बारे में हम आश्वस्त है, इतना बल हमारा है, और इसलिए हमारी दृष्टि क्या है, वसुधैव कुटुंबकम, ये सब कुछ हमारा है, सब कुछ हमारे अपने हैं। इस सद्भावना के व्यवहार को अपने गांव से प्रारंभ करना, जात पात के भेद को कभी भी आचरण में नहीं आने देना, व्यक्तिगत आचरण, सामाजिक आचरण,
अपने कुटुंब का वातावरण, अपने आजीविका के स्थान पर कभी भी मनुष्य को जाति, पंथ, प्रांत, भाषा के हिस्से नहीं देखना, उसके साथ अपनत्व का व्यवहार करना, सद्भावना का व्यवहार करना, मिलते रहना, एक दूसरे के विकास में सहयोग देना, एक दूसरे को देखकर सुधार की प्रेरणा होनी चाहिए, ऐसे जीवन का उदाहरण रखना। और यह सारा जीवन हमको जिनसे मिला है उनको वापस देना है, हम पर कर्जा है। हमारी परंपरा में तीन प्रकार के ऋण मानते हैं, देव ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण। देव ऋण है सृष्टि का, हमारे देवता सृष्टि की शक्तियों के प्रतीक है, पंच महाभूत हमारे देवता है। रमण महर्षि ने कहा है अष्टमूर्ति, कौन सी अष्टमूर्ति? पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, सूर्य जो जीवनी शक्ति का प्रतीक है, चंद्र जो मन का प्रतीक है, और जीव, ये देवता स्वरूप है। और हमारे इंद्र विद्युत के स्वामी है, मेघों के स्वामी है, वरुण जल के देवता है, अग्नि साक्षात अग्नि है, इनका ऋण है, इनके चलते हमारा जीवन है, इनका शोषण नहीं करना, पर्यावरण की समस्या खड़ी नहीं करना अपने आचरण से, विकास को सोचना तो पर्यावरण को सुरक्षित रख के कैसे चलना यह सोचना। ये पंच महाभूत सबके लिए बने हैं, हमारा आचरण पर्यावरण मित्रता का हो, मेरा मेरे कुटुंब का, मेरा सामाजिक आचरण, मेरा आजीविका के क्षेत्र में आचरण, तो उसके परिणाम से धीरे धीरे समाज का आचरण बदलेगा। पितृ ऋण है, हमारे पूर्वजों का ऋण है, उन्होंने त्याग बलिदान किया, अपना पसीना खून बहाया, तब हम अपने संस्कारों को सुरक्षित रख सके, उनके स्मारकों का जतन करना, उनके स्मरण का जतन करना, उनके आचरण को अपने आचरण से आगे बढ़ाना, उनके आदर्शों का अनुकरण करना, फैशनेबल लोगों का अनुकरण नहीं करना। फैशनेबल लोगों में भी अच्छे लोग हो सकते हैं, हम अच्छा ही देखें, अपने मूल्यों के कसौटी पर अच्छा आचरण कैसा होता है। हमारे यहां परंपरा चली है, आज भी उसके जीवन तो उदाहरण हमारे मूल्यों के है। बहुत लोग हैं जो त्याग करते हैं समाज के लिए, बहुत लोग हैं जो स्वदेशी, स्वभाषा, स्वभूभाषा पर अटल रहकर और समाज को आगे बढ़ाते हैं। हमारे चारों ओर जीवन तो उदाहरण है, हमारी इतनी लंबी परंपरा है, उसको जानना, उसका अनुकरण करना। और ऋषि ऋण है, ज्ञानी लोगों ने हमारे लिए ज्ञान का खजाना दिया है, तत्ववेदा पुराणानि सर्वोपनिषदस्तथा रामायणम भारतम च गीता सद्दर्शनानि च जैनागमाः त्रिपिटका गुरु ग्रंथ सतांगिरा एष ज्ञान निधि श्रेष्ठ। पूरे जीवन का तत्व ज्ञान, ज्ञान विज्ञान सहित हमारे सामने है, इस हमारी संपदा का जतन, स्मरण, उसको बढ़ाना, ये करना है। ऋण मोचन का काम तीसरा काम है, और ऐसा करने के लिए जीवन को एक अनुशासन में बांधना, अपनी परंपरा के मूल्यों का अनुशासन है। साथ साथ अपने देश ने सर्वसहमति से मान्य किए संविधान का अनुशासन है। अब हम परकीय राज्य में नहीं है, हम अपने राज्य में है, तो हमारे आचरण में संयम कैसा होना चाहिए, कानून व्यवस्था नियम का पालन कैसे करना चाहिए, हमारा उदाहरण होना चाहिए। ये चार काम है जो करने से देश बड़ा होगा, ये सबको करने पड़ेंगे, करने पड़ेंगे तो इसकी आदत करनी पड़ेगी, क्योंकि सारे काम बुद्धि से मान्य होते हैं, मन से भी मान्य होते हैं, लेकिन करने में आदत के कारण आदमी चूक जाता,
किस्सा बताते हैं ऐसा, एक आदमी जा रहा, उसका मित्र सामने से आता है, पूछता है कहाँ जा रहे हो? उसने कहा बस जीवन से थक गया, मैं मरने जा रहा हूं, अभी ट्रेन जाएगी उस ट्रैक से, वहां मैं सोने वाला हूं, टुकड़े हो जाएंगे मेरे, छूट जाऊंगा दुनिया से। अरे भाई ऐसा क्यों कर? नहीं नहीं मुझे मत समझाओ, तुम मेरे मित्र हो, मेरे निश्चय के आड़े मत आओ, मैं मरने वाला हूं, कोई मुझे परावृत्त नहीं कर सकता, अब मैं मरूंगा ही मरूंगा। अच्छा मरोगे, ये डिब्बा क्यों ले जा रहे हो? तो इसमें भोजन है, तुम मरने जा रहे हो ना, हाँ तो डिब्बा क्यों लिया? ट्रेन लेट होगी क्या, भूखा रहूंगा क्या? इन्हें मरने जा रहा है लेकिन 11 बजे भूख लगती है, ये आदत है। किस्सा तो कल्पित है, ये तो आप जाने ही गए, परंतु बोध उसका कल्पित नहीं है। आदत से मनुष्य काम करता है, अच्छे बातों की भी आदत लगानी पड़ती है, अनुकूल बातों को भी आदत लगानी पड़ती है। और इसलिए एक घंटा शाखा में आओ, बाकी सब भूल जाओ, अपनी आदतें ठीक करो। एक बार आदतें ठीक हो गई कि ठीक हो गई, ऐसा नहीं होता है, आदतों को ठीक रखना भी पड़ता है। इसलिए इस एक घंटे की साधना अपने जीवन में रोज की दिनचर्या का अंग बनाना, ये अपनी साधना है, ये संघ की साधना है, इसको संघ समाज की साधना बनाना चाहता है। घर से बाहर निकलो, अपने देश के बंधुओं के साथ वो कौन है, कहां से आते हैं, कहां जन्म, कुछ विचार मत करो, कितना कमाते हैं, अमीर है कि गरीब, कुछ मत विचार करो, समाज में मेरे जैसे प्रतिष्ठित है कि ऊंचे है कि हल्के, कुछ विचार मत, वो मेरे अपने भाई है, उनके साथ मातृभूमि के धूल में लोटपोट होते हुए खेल खेलो, मातृभूमि के भक्ति के गान गाओ, पूर्वजों के पराक्रमी कथाओं को सुनकर अपने शरीर में वीरव्रत का संचार करवाओ और भारत माता की प्रार्थना करो। रोज करना एक घंटे का व्यायाम, शरीर मन बुद्धि देश के कार्य के लिए तैयार होती है, एक स्थिति पर पहुंचने के बाद उसको वैसा ही रखा तो सदैव कितने भी मोह आकर्षण स्वार्थ प्राप्त हो जाए, मनुष्य अडिग होकर अपने ध्येय पथ पर चल सकता है। ये संग है, ये सबको करना है, एक घंटे की साधना करना और फिर अपने जीवन में समाज की आवश्यकता को पूर्ण करने वाला या समाज के अभाव को दूर करने वाला या समाज की त्रुटियों में सुधार लाने वाला कोई एक काम चुनना और उस काम को प्रामाणिकता से निस्वार्थ बुद्धि से तन मन धन पूर्वक करना, उस काम को भुनाने की कभी नहीं सोचना, बहुत सेवा की अब मुझे वोट दो ऐसा नहीं कहना, उसके लिए काम नहीं है। संघ में स्वयं सेवक बहुत कुछ करते हैं, समाज के लिए भी करते हैं, संघ के लिए भी करते हैं, उनको थैंक यू भी नहीं बोलते, धन्यवाद भी नहीं बोलते। अगर कोई स्वयं सेवक बैठक में मुझे पूछता है मैं संघ में आया हूं मुझे क्या मिलेगा, मैं कहता हूं कुछ नहीं मिलेगा, तुम्हारे पास कुछ है तो वो चला जाएगा, हिम्मत है तो आओ। संघ स्वयं को बर्बाद करने का काम है, देश को आबाद करने का काम है, करना है तो करो, ये डरपोक लोगों का काम नहीं, स्वार्थी लोगों का काम नहीं। स्वार्थ मन में है तो संघ से दूर रहो, उसमें तुम्हारा भी भला है हमारा भी भला है, ये देने का काम है, ये करना है। यश अपयश आशा निराशा प्राप्ति लाभ हानि कुछ विचार नहीं करना, क्योंकि यही रास्ता है, दूसरा रास्ता नहीं है। अपने देश के स्वतंत्रता के लिए काम करने वाले और स्वतंत्रता के बाद अपने देश को बढ़ाने वाले जितने लोग हैं उनका साहित्य देखो या उनके भाषण कहिए तो पढ़ो सुनो, अगर सुनने को मिलते, सब ने इस एक सत्य को बोला है, इस समाज को सद्गुणों में सुशिक्षित करते हुए एक बनाकर देश के लिए जीने मरने का उद्यम करने वाला समाज बनाना, तभी भारत के भाग्य का उदय है। और हम देख रहे जितने प्रमाण में यह हो रहा है, संघ तो इसी के लिए प्रयास करता है और भी लोग हैं, सबके करने के परिणाम स्वरूप जैसी जैसी समाज की समझ बढ़ रही है, जैसे जैसे समाज की दृष्टि स्पष्ट हो रही है, वैसे वैसे भारत की उन्नति हो रही है। स्वतंत्रता के बाद आज के क्षण तक का प्रवास अगर हम देखेंगे अपने देश का,
तो देश के उन्नति के रेखा को आप समाज के उन्नति की रेखा के साथ समांतर पाओगे। जब जब समाज के गुणों की उन्नति, एकता की उन्नति की पराकाष्ठा थी, तब देश भी किसी न किसी रूप में दुनिया के जीवन में किसी गुण की या कीर्ति की पराकाष्ठा पर था। आज है, बहुत दिनों से पहुंचा है और ऊपर जा रहा है, उसको उस यात्रा को पूर्ण करवाना है, करवाना है, इसलिए हम सबको तैयार होना है और इसीलिए सार्वजनिक कार्यक्रम करते हैं। ऐसे कार्यक्रम ये कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, कार्यकर्ताओं के क्रिया शक्ति की परीक्षा इसमें हो जाती है और हमारी संख्या वगैरह समाज देखता है, लेकिन उसके लिए कार्यक्रम नहीं है। ये कार्यक्रम ये कहने के लिए है कि देखो हमारी कार्य पद्धति ऐसी है, उसके परिणाम आज सर्वत्र गूंज रहे हैं। आप सब लोगों को भी संघ का अंग बनकर काम करना चाहिए, इस रोज की साधना को अपने जीवन का अंग बनाकर देश के लिए कुछ करने लायक हमको बनना चाहिए और फिर अपने अपने विचार से या संघ की योजना में बैठकर समाज के भलाई का काम करना चाहिए, जिस कार्य के कारण समाज में सद्गुणों का, एकात्मता का, आत्मीयता का वातावरण बनेगा और हम सब मिलकर आगे बढ़ेंगे। खान पान रीति रिवाज के भेद, पंथ संप्रदाय के, जाति के भेद, सब प्रकार के भेद, मत मतांतरों के भेद भी छोड़कर हम सब एक निर्णय करके चलेंगे। संगच्छध्वम संवदध्वम सम वो मनावसी जानता, ये संघ है। इतने सारे लोग हैं, इतने प्रकार के लोग हैं, सबके अलग अलग विचार, अलग अलग अनुभव, अलग पृष्ठभूमि है, मिलके विचार करते हैं, जो सबका तय होता है वो मेरा विचार होता है। संगठित समाज का ये लक्षण है। शक्ति संपन्न समाज चाहिए, जो ना भय दे तो काहू को ना भय जानता, आप ऐसा समाज चाहिए। ऐसा समाज निर्माण का ये काम है, इसको किए बिना न दुनिया की भलाई है, न देश की भलाई है, न हमारी आपके हमारे परिवारों की भलाई है। एक पंथ में तीन तीन का साधने वाला ये काम है, हम सबका काम है, इसलिए हम सब लोगों को इसमें जुड़ना चाहिए। संघ को बड़ा करने के लिए नहीं, देश को बड़ा करने के लिए। कल इतिहास लिखा जाएगा, हम सब मिलके करेंगे तो ये लिखा जाएगा कि समाज स्तर पर पहुंचा कि उसने अपने देश को विश्वगुरु बना दिया, ऐसा ही लिखा जाए इतिहास में, यह हमारी इच्छा है। हम तो तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहे न रहे, इस वृत्ति के लोग हैं, इस वृत्ति को अपने आप में स्थिर करते हैं। और इसलिए आज के प्रसंग पर मेरा आपको यही आह्वान है कि संघ में आइए, आने में कोई फीस नहीं है, कोई नियम नहीं है, जाना भी आपके मर्जी से, जब चाहे आप जा सकते हो, लेकिन आइए, छह महीना, एक साल, दो साल संघ को अंदर से देखिए और देखने के बाद जब आपको यह प्रतीत होगा कि उस दिन मोहन भागवत ने अपने भाषण में संघ के बारे में जो जो कहा था वो सब संघ में है, तो फिर संघ के कार्यकर्ता बनिए। ऐसा नहीं होगा तो क्या करना, आपका स्वातंत्र है। ऐसा है तो भी क्या करना, आपका ही स्वातंत्र है, लेकिन ऐसा है कि जब आप जानेंगे तो आप संघ से दूर नहीं हो सकेंगे। और इसलिए एक प्रार्थना मैं आपको करता हूं, एक निवेदन आपको और आपके सामने रखता हूं कि दूर से दर्शक बैठकर संघ के कार्यक्रमों को देखना, हितैषी बनकर वाह वाह करना, इससे नहीं होगा। हमको स्वयं सेवक बनना पड़ेगा, कार्यकर्ता बनना पड़ेगा। आप जल्दी ही ऐसे बन जाएंगे, इस आशा और विश्वास के साथ आप सबको धन्यवाद देता हुआ मैं मेरे चार शब्द समाप्त करता हूं।